हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों की कल केदारनाथ की सीरीज कंप्लीट हुई, तो आज हम वीडियो जो देखने जा रहे हैं उसमें लॉर्ड शिवा को ये सॉन्ग डेडिकेट किया गया है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों ने केदारनाथ देखा है तो क्यों ना हम लोग सीरीज का एंड इस तरीके से करें। और साथ जो है हम ये जो है सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं विशाखा जी को भी, बिल्कुल। और वीडियो का टाइटल बताएंगे मौजा। टाइटल है हर 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 महादेव। और जो है आगे नान काड़ावुल इलायराजा लाइव इन कॉन्सर्ट सिंगापुर। सॉरी, नाम मुश्किल था इसलिए मैं अटक गया। हाँ बिल्कुल। और इससे रिलेटेड बाकी डिटेल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले देख लेते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो देखने से पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मेरे व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। रुद्राय मातांड रुद्राय अंड रुद्राय ब्रह्मांड रुद्राय चंड रुद्राय प्रचंड रुद्राय दंड रुद्राय शूर रुद्राय वीर रुद्राय भव रुद्राय भीम रुद्राय अदल रुद्राय विदल रुद्राय सुदल रुद्राय महादल रुद्राय रसादल रुद्राय दलादल रुद्राय पादाल रुद्राय नमो नमः। ओम शिवोहम, ओम शिवोहम, रुद्र नामं भजेहम। ओम शिवोहम, ओम शिवोहम, रुद्र नामं भजेहम। वीरभद्राय अग्निनेत्राय घोरसंहाराय सकल लोकाय सर्वभूताय सत्य साक्षात्काराय शंभो शंभो शरणाय। ओम शिवोहम, ओम शिवोहम, रुद्र नामं भजेहम भजेहम। हर 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 महादेव। सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शंगाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्ने वदाय च धूले वदाय च नमो अन्ते च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। अंड ब्रह्मांड कोटि अखिल परिपालना पूर्णा जगत्कारणा सत्य देव देव प्रिया वेद वेदार्थ सारा यज्ञ यज्ञो मया निश्चला दुष्ट निग्रह सप्तलोक संरक्षणा सोम सूर्याग्निलोचना शपवाहना शूलपाणि भुजंगभूषणा त्रिपुरनाशनक्षणा योमकेश महासेन जनक पंचवक्त्र परशुहस्त नमः। ओम शिवोहम, ओम शिवोहम, रुद्र नामं भजेहम। नेत्रशूल त्रिशूलगात्रम् सत्यप्रभाव दिव्यप्रकाश मंत्रस्वरूपमात्रम् निष्प्रपञ्चादि निष्कलङ्कोऽहं निजपूर्णबोधहम् सत्यगात्माहं नित्यब्रह्मोऽहं स्वप्रकाशोऽहं सच्चित्प्रमाणम् मूलप्रमेयम् अयं ब्रह्मास्मि अहं ब्रह्मास्मि गण 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 सहस्रकण्ठ सप्तविहरति नम 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 शिव नम रुद्राग विहरति नेत्राय घोर संहारः सकललोकाय सर्वभूताय सत्य साक्षात्कारः शम्भो शम्भो शंकर ओम शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहं बात करेंगे इस गाने की ना तो सीरियसली गूसबम्स जिस तरह जो है साइड पे जो लोग गा रहे थे फिर म्यूज़िक उसका फिर जो विजय प्रकाश जी हैं मैं कहता हूँ सही बात है उन्होंने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। मैं कहूँगी कि वाकई में मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं, इस कदर खूबसूरत गाया और जिस तरह से स्टार्ट हुआ ना मुझे ऐसा लगता है मौसम क्योंकि हम लोग काफ़ी मतलब ये वाली धुन झुन से ना पहले भी सुन चुके हैं बहुत मरतबा मूवीज में या ड्रामों में साउथ मूवीज में खास पे। तो वो एकदम से जब वो स्टार्ट हुआ ना सीरियसली उस टाइम पर एकदम से पता नहीं कि मुझे ऐसा फील हुआ जैसे दिमाग में कुछ ऐसे यू नो एक एनर्जी सी जाती है ना कुछ इस तरह की फीलिंग्स। मैं कहता हूँ कि इस तरह कॉन्सर्ट में विजय प्रकाश जी जो है ये सेकेंड सिंगर है जिन्हें हम सुने से पहले हमने अनन्या भट्ट जी को सुना था जब उनका गाना स्टार्ट हुआ बिल्कुल और जिस तरह में हाई नोट्स पे गई तो एकदम आपका जो होता है ना वाओ यार इतनी मतलब जबरदस्त किस्म की आवाज इलेक्ट्रिकल एनर्जी हाँ। फील करते हो और पता है मौसम मतलब मैंने ये चीज नोटिस किया है कि साउथ के जितने भी सिंगर्स ना उनकी आवाजों में ना कुछ एक बहुत ही डिफरेंट सा एक चार्म है आप सुनते हो ना तो कुछ होता है आपको फील होता उनकी आवाजें जो है ना बहुत खुली हुई आवाजें यानी कि हाँ, ये जो जितना भी मतलब हम लोगों ने सुना सारा वो संस्कृत में था हम लोगों को समझ नहीं आया बट हमारी एक कनेक्टिविटी हो रही थी। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी हाँ। मैं बात को जब मैं ये सुन रहा था ना तो एक वो जो है ना जैसे मूवीज में होते ना सीन हाँ। के वो मूर्ति है और उसके आगे जो है मनाने हाँ। की कोशिश की जा रही है कुछ इस तरह का जो है सीन चल रहा था यानी कि रूठ गया है मनाया जा रहा है कुछ इस हाँ, तरह का ना सीन मेरे दिमाग में चल रहा था हाँ मतलब आपके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं पर वो चलती हैं आपकी चीजें। बट मैं बोलूंगी कि जो ये कॉम्पोजिशन है इसको कंपोज किया है लेजेंडरी इलायराजा जी ने और वो हमने देखा भी स्टेज पर भी उनको देखा और इसका म्यूजिक जो उनसा है वो मतलब जो डेडिकेट मतलब बेसिकली एक मूवी का जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बताया सॉन्ग था जिसका नाम था नान कड़ावुल हाँ, I hope सही हमने नाम लिया बिल्कुल। और उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे तमिलनाडु के थे तो मतलब मैं कहूँगी कि हम लोग को जो एक म्यूजिक का टच नजर भी आया ना और जो सुनने में मजा आया मतलब साउथ की जो स्पेशलिटी होती है बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक था। अच्छा एक चीज मैंने फील की कि जो मतलब जो पीछे बैकग्राउंड था उसमें फायर थी देखा इसमें खैर मुझे इतना आइडिया नहीं लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा मे बी वो इस वजह से क्योंकि हिंदुइज्म में सबसे ज्यादा जो पवित्र एलिमेंट माना जाता है वो फायर को अग्नि को समझा जाता है तो शायद इस वजह से वो वहां पर और एक और चीज मैंने नोटिस किया था और वो मैंने ये कि जो सिंगर थे विजय प्रकाश जी, आप देखा कि उन्होंने जूता नहीं पहना। हाँ, नहीं था पहना हुआ। मुझे लगता है कि शायद उन्होंने जो उनके टीचर होंगे उनकी रिस्पेक्ट में नहीं पहना हो, या फिर या वो एक स्पिरिचुअल जो है वो सॉन्ग गा रहे थे इसलिए नहीं पहना। ये दोनों रीजंस हो सकती हैं। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना, जब तबला एकदम आया तो तबले ने जो फीलिंग्स दी है ना, मैं कहता हूँ हिला दिया उसने, जितना अच्छा उन्होंने तबला बजाया। फिर उसके साथ तबले के साथ जो बीच में छोटी साउंड बेल्स की आ रही थी, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल। और उसके अलावा जो साइड पे चार लोग खड़े हुए थे जिन्होंने शुरू में मंत्र पढ़ा, वो तो मैं कहता हूँ सही बात है, काबिले तारीफ है, क्योंकि एक ही टोन में इकट्ठे पढ़ रहे हैं, कोई भी जरा सा आगे पीछे बिल्कुल नहीं था। और जब विजय प्रकाश जी जो है वो गाना गा रहे थे तो कुछ लाइनें उनके साथ भी थी, तो वो भी इतने अच्छे तरीके से मिक्सअप हुई थी ना कि आपको समझ नहीं थी लग रही कि उन्हें सुने या विजय प्रकाश जी को सुने। वाकई में मौसम बिल्कुल सही कह रहा है, जिस तरीके से जो साइड पर खड़े थे सिंगर्स उन्होंने गाया और विजय जी ने गाया, और सिंक्रोनाइजेशन करना उस टाइम पर मौसम आसान नहीं होता जब आप लाइव कॉन्सर्ट में हो। बिल्कुल। और जब क्या नाम लेते हैं उनकी आवाज हमने सुनी ना, तो सारे जो है एक ही टोन में गा रहे थे, इकट्ठे भी गा रहे थे, तो बहुत डिफिकल्ट है। उसके अलावा पता नहीं आपने चीज नोट की होगी कि नहीं नोट की होगी, वहाँ पे जो नीचे लोग बैठे हुए थे, अंग्रेज जो उनके पीछे बैठे हुए थे, उनमें से एक जो उनके बिल्कुल इस साइड पे एक स्कर्ट पहनी हुई थी, हाँ लेडी बैठी थी, उनका भी फेस बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग था और वो भी बहुत ज्यादा ऐसे ना अच्छा फील कर रही थी। मुझे ऐसा लगता है ना मौसम, ये मतलब मेरी अपनी सोच की स्पिरिचुअलिटी जो है ना, उसके साथ आपका कनेक्शन हो जाता है, उसमें रिलीजन का लेना देना नहीं होता। तो आप, मुझे लगता है कि अगर आप उसको ऐसे सुकून लेने के लिए सुनते ना, चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते, तो मतलब आपको सुकून मिलता है सुनकर। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोगों ने आज सुना, मतलब हम लोग इसको भजन बोलेंगे या स्पिरिचुअल सॉन्ग बोलेंगे, तो मैं ये बात बोलूंगी कि ना एक चीज, क्योंकि हम लोग बचपन से कहीं ना कहीं पर यू नो थ्रू मूवीज, थ्रू ड्रामाज ये देखते आ रहे हैं ना, तो हम लोगों को एक कनेक्शन फील होता है, ऑल्दो हमें समझ नहीं आती। बट मैं ये बात बोलूंगी कि ना आपकी यू नो आपकी जो फीलिंग, जो आपको वाइब्स आती है, वो आपको थोड़ा नॉस्टैल्जिक कर देती है। जैसे मंत्र जो स्टार्टिंग का, वही चीजें नॉस्टैल्जिक कर देती हैं आपको, यू नो कुछ ऐसी कनेक्टिविटी होती है जो आपको फील होती है। वेल ओवरऑल हम लोग को बहुत मजा आया, और जैसे हमने विशाखा की वीडियो भी देखी थी, और मतलब उसमें बड़ा अच्छा लगता था कि जैसे वो घर से निकलती थी या किसी भी जगह से निकलती, हर हर महादेव कहती थी, हर हर महादेव बोलती थी, तो वो भी बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि ऊपर वाले को याद करना चाहिए। आप जैसे भी करते हैं, आपको जैसे भी मन करता है, आपको जरूर याद करना चाहिए, और मेरे ख्याल में इसमें बहुत ज्यादा खैर बरकत होती है। और इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत। आपको कितना अच्छा लगा? और अगेन मैं पूछना चाहूंगी इसी बात खत्म करते करते यहाँ पे आ गई है, आती है जरूर बताइएगा, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है, और ये समझ किस किस को आया है ये भी जरूर बताइएगा कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि हम लोग भी जानना चाहेंगे ये सब मतलब क्या है। वेल आज की वीडियो इसी के साथ, हमें 4 वीडियोस करें, लाइक सब्सक्राइब वीडियोस करें, गुड बाय।